उत्तर स्थान में 39 नंबर चैप्टर है रसायन विधि अध्याय, रसायन विधि अध्याय इसमें देखना 6 नंबर श्लोक में, यहाँ पे रसायन सेवन के लिए स्थान जो हम कुटी प्रावेशिक जो बनाते हैं ना उसके लिए एक्सप्लेन किया गया है। कुटी प्रावेशिक और वातातपिक सेम आचार्य चरक की तरह इन्होंने बोला। तो 6 नंबर श्लोक में सेकेंड लाइन में देखना, दिशि उदिची सुभे देशे त्रिगर्भा सूक्ष्म लोचना को हाईलाइट अंडरलाइन किया आपने। सॉरी, जो वो कुटी आप बनाएंगे वो त्रिगर्भा होनी चाहिए, सूक्ष्म लोचना से युक्त ऐसा। फिर यहाँ पे ये रसायन आदि का वर्णन किया है, आप देखना श्लोक नंबर 48 में, श्लोक नंबर 48 यहाँ पे बोला पंचारविंद रसायन बोला, या पंचारविंद घृत भी आप इसको ओब्लिक करके लिख लीजिए, पंचारविंद घृत या पंचारविंद रसायन। फिर है हमारा 66 नंबर श्लोक, 66 नंबर श्लोक पे यहाँ पे भल्लातक रसायन का प्रयोग करने को बताया गया है। तो भल्लातक रसायन में आप यही लिखना 8 to 40 लिखना ना, 8 से 40। तो भागवत ने सबसे कम मात्रा बोली है 8, यानी 8 भिलावे से आपने पेशेंट को देना शुरू करना है और मैक्सिमम 40 तक लेके जाना है। और कितने भिलावों का प्रयोग कराना है वो हमारे होते हैं 1000। 69 नंबर श्लोक की सेकेंड लाइन को अंडरलाइन करना, सहस्त्रम उपयुंजित यानी 1000 भिलातकों का आपको सेवन करना है, और किसमें, सप्ताहरेर अपि सप्त भी, 7 सप्ताह में, यानी टाइमिंग भी बोल दिया इन्होंने, 7 सप्ताह जो होंगे उसमें 1000 भल्लातक का आपको प्रयोग करना है, क्योंकि वर्धमान रूप से लेके जाना है। पहले 8 भल्लातक लिए, फिर उससे थोड़े से ज्यादा लोगे, ऐसे करके 40 तक लेके जाते हैं, फिर 40 से कम करते आते हैं। तो ये जो प्रयोग है, ये विधि आपकी 7 सप्ताह में इन्होंने बोला है कि 1000 भल्लातक आपने सेवन करने हैं। नेक्स्ट उसके बाद है हमारा 81 और 82 नंबर श्लोक, 81 और 82 ये चरक में भी है, ऐसा हम पढ़ चुके हैं, इसको चाहो तो आप यहाँ पे भी हाईलाइट कर सकते हैं। भला तकानी तीक्ष्णानी पाकिनी अग्नि समानी च भवन्ति अमृत कल्पानी प्रयुक्तानी यथाविधि, कफजो न स रोगो अस्ति न विबंधो अस्ति कश्चन यम न भलातकम हन्याद शीघ्र मेधा अग्निवर्धनम, ऐसे आया था वहां पे। तो शीघ्र अग्नि बल प्रथम ये लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 91 नंबर श्लोक, 91 नंबर श्लोक में यहाँ पे बोला, सेकंड लाइन में हाईलाइट करना, पक्षम मुद्गरशार नाशी सर्व कुष्ठे विमुंचते। 15 दिन तक आपने मूंग के यूष के साथ अन्न लिया है, और इससे ऊपर यहाँ पे तुवरक रसायन बताया गया। तो आप यहाँ पे लिखना 91 नंबर श्लोक के आगे तुवरक रसायन, किसी पेशेंट को आपने तुवरक रसायन दिया प्लस में उसको 15 दिन तक मूंग का यूष के साथ आहार दे रहे हो सिर्फ इतना, तो सभी प्रकार के कुष्ठ हैं जो उनसे छूट जाते हैं, ऐसा बोला गया। तो तुवरक रसायन प्लस में मुद्ग देना है उसको 15 दिन तक खाने के लिए बस। नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे देखना 110 नंबर श्लोक के नीचे, 110 नंबर श्लोक के नीचे एक ब्रैकेट में एक श्लोक लिखा है, लहसुन का प्रयोग ऐसे लिखा, या लहसुन सेवन विधि जो है हमारी वो क्या है, शीत वात हिम दग्ध तनुना नाम स्तब्ध भगन कुटील व्यथित अस्थि नाम को आपने हाईलाइट किया। शीतल वायु या हिम से अगर किसी को दग्ध हो गया है, या फिर हाईलाइट करना स्तब्धता है, भग्न है, कुटिल या व्यथित अस्थि है, इन तो इनसे पीड़ित वाले के लिए जो लहसुन रसायन है उसकी विधि का वर्णन किया गया है। तो लहसुन के प्रयोग किन किन में करना है ये आपने हाईलाइट किया, स्तब्ध भगन कुटिल व्यथित अस्थि नाम। फिर नेक्स्ट है हमारा शिला जतु रसायन 130 नंबर श्लोक, 130 नंबर श्लोक में शिला जतु रसायन यहाँ पे लिखा, आप लिखिए चरक और भाव प्रकाश, चरक और भाव प्रकाश चार टाइप, शिला जतु के चार भेद बोलते हैं, चरक भी और भाव प्रकाश भी, सुश्रुत और वागवट और शारंगधर, सुश्रुत वागवट और शारंगधर ये बोलते हैं 6 टाइप्स, और रस रत्न समुच्चय बोलते हैं 2, रस रत्न समुच्चय बोलते हैं 2 हमारे।
ठीक है, ये लिख लीजिए आप, चरक और भाप्रकाश के अकॉर्डिंग जो चार भेद हैं वो कौन से हैं, स्वर्ण, रजत, ताम्र और लौह, मतलब जो इन इन धातुओं से उत्पन्न होते हैं ऐसा, स्वर्ण, रजत, ताम्र और लौह। सुश्रुत और वाग्भट ने क्या किया, स्वर्ण, रजत, ताम्र, लौह तो है, प्लस में वंग और शीशा भी बोल दिया, नाग या वंग जिसको हम बोलते हैं, नाग और वंग भी बोल दिया, तो इनके छह टाइप ही हो जाते हैं। फिर रस रतन समुच्चय के अकॉर्डिंग दो हैं, गौमूत्र गंधी और कपूर गंधी। इसमें आप देखना 131 नंबर श्लोक 131 में, सर्वम च तिक्त कटुकम न अति उष्ण कटु पाकत छेदनम च विशेषेण लोहम तत्र प्रशस्यते, आपने हाईलाइट किया, यानी सभी प्रकार के शिला जंतु जो छह प्रकार के हैं वाग्भट के अकॉर्डिंग, उनमें से जो लोह शिला जंतु है उसको सबसे प्रशस्त बताया, क्यों, क्योंकि वो तिक्त है, कटु है, न ज्यादा उष्ण है, विपाक में कटु है और छेदन कर्म करने वाली होती है, तो प्रशस्त उसी को बताया है। 132 नंबर श्लोक में हाईलाइट करना गोमूत्र गंधी, शिला जंतु बेस्ट कौन सी होती है उसके लक्षण बोले, जो गौमूत्र गंधी हो, कृष्णम गुगुला भाम, कृष्ण या गुगलू के समान हो, वी शर्करम मृत्नम स्निग्ध अनमलायक शाय मृदु गुरुम जय शिला जतु श्रेष्ठ, ये श्रेष्ठ शिला जतु है, तो उसमें गुगलू की आभा के समान और गौमूत्र गंधी, ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं। फिर हमारा आता है 139 नंबर श्लोक है, हिंदी में हाईलाइट करना, एक सप्ताह, तीन सप्ताह और सात सप्ताह तक कर्ष आधा पल, एक पल की मात्रा में इसको प्रयोग करना है, ये इसकी हीन, मध्यम और उत्तम मात्रा बताई गई है। आप अगर टाइम के अकॉर्डिंग बात करो तो सबसे मैक्सिमम मात्रा क्या है कि पेशेंट को 7 हफ्ते तक आप शिला जंतु दो, मध्यम 3 वीक तक और हीन 1 हफ्ते तक ही दो सिर्फ, ठीक है। फिर मात्रा के अकॉर्डिंग बात करें तो उत्तम मात्रा है एक पल, फिर मध्यम में आधा पल और हीन मात्रा कर्ष फॉर्म में देनी है आपने, ठीक है, तो ये तीनों याद होने चाहिए आपको। नेक्स्ट आता है हमारा शिला जंतु सेवन में अपथ्य है, क्या है, 141 में सेकंड लाइन में हाईलाइट करना, 141 नंबर श्लोक में, कुलथान काकमाची च कपोतास चदा त्यजेत, कुलथी, काकमाची और कपोत, ये इनका त्याग कर देना चाहिए जब आप शिला जंतु का प्रयोग करा रहे हो, तीनों चीजें क से हैं, कुलथी, काकमाची और कपोत, ये तो हमने चरक संहिता में पढ़ा था कि जब हम शिला जंतु का प्रयोग करते हैं तो उष्ण द्रव्य हैं जो, वो आपको नहीं लेने हैं उस टाइम पे, अम्ल द्रव्य ऐसे करके, विशेषतः कुलथी का त्याग जरूर कर देना है शिला जंतु के टाइम पे, ऐसे बोला था इन्होंने, और ऐड कर दिया कुलथी, काकमाची और कपोत। नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारा 165, 166, 167, 168, 165 से लेके 168 तक, ये लांगले आदि गुटिका लिख दीजिए, इसके ऊपर हेडिंग क्या है इसकी, लांगले आदि गुटिका, लांगली आदि गुटिका का वर्णन यहाँ पे किया गया। तो हिंदी की अगर आप फोर्थ लाइन में देखोगे, देखना ये जो योग बताया गया लांगली आदि गुटिका, इसको अगर आप सेवन करते हो तो 1 वर्ष तक इसका सेवन करने को बोला है, ठीक है, 1 वर्ष तक आपने कंटिन्यूअसली सेवन करना है इसका, फिर व्यक्ति 500 साल तक जीता है ऐसा बोला है। हेडिंग आपकी बुक में ही होगी ना, 500 वर्ष तक जिलाने नहीं, जीने वाला जो प्रयोग है, तो लांगली आदि गुटिका अगर आप 1 वर्ष तक सेवन करते हो तो वो 500 वर्ष तक आयु देने वाली होती है ऐसा। नेक्स्ट 169 नंबर श्लोक की हेडिंग है, सर्व रोग भय नाशक नरसिंह घृत या नारसिंह घृत इसको बोलते हैं, नारसिंह लिख लीजिए आप, नारसिंह घृत है बताया गया है। फिर है 176 में, नारसिंह तेल है, नरसिंह तेल यहाँ पे बताया, और लास्ट वर्ड को हाईलाइट करना है इसके, कृष्ण केशश्च जायते, बाल काले हो जाते हैं, नरसिंह तेल है जो उसके प्रयोग से। तो ये हमारा 39 नंबर जो श्लोक है जिसमें रसायन का वर्णन है वो कंप्लीट होता है।